झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के इवेंट मैस्कोट जूही और ट्रॉफी का अनावरण किया। 27 अक्टूबर से रांची के मेजबानी में इस चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है, जो 5 नवंबर तक चलेगा। इस मौके पर FIH अध्यक्ष दातो तैयब इकराम, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर दिलीप तिर्की, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, हॉकी इंडिया के कोष अध्यक्ष शेखर जे मनोहरन जैसे कई लोग शामिल थे। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो सलीमा टेटे और निक्की प्रधान के अलावा कई हॉकी खिलाड़ी इस समारोह में शामिल हुए। इस टूर्नामेंट में मेजबान भारत के अलावा 5 देश जापान, कोरिया, मलेशिया, चीन और थाईलैंड हिस्सा लेंगे। बता दें कि भारतीय महिला टीम ने 2016 में यह एशिया चैंपियनशिप टूर्नामेंट का खिताब जीता था और 2018 में उप विजेता रही थी। इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबला रांची के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस टूर्नामेंट के आयोजन से राज्य में खेल जगत का एक नया इतिहास का आगाज होगा। यह पहला मौका है जब इतने बड़े प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड में किया जा रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सिर्फ खेले, आपके हुनर को तराशने और एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे। ये सब तो टेक्निकल ये है। आज जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यहाँ पर झारखंड में पहली बार और देश में भी पहली बार महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और इस कार्यक्रम को राज्य में, झारखंड प्रदेश में आयोजित करने का जो निर्णय फेडरेशन के समूह ने लिया है, इसके लिए तो मैं फेडरेशन को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। और आज विधिवत रूप से ट्रॉफी अनवीलिंग और इवेंट मैस्कॉट का लॉन्चिंग कार्यक्रम में फेडरेशन के अध्यक्ष भी हम लोग के साथ उपस्थित हैं, ये बहुत गौरव की बात है और एक ऐतिहासिक क्षण भी है। और मुझे लगता है इससे राज्य में आने वाले समय में खेल जगत में एक नया आयाम और एक नया रोशनी अलग जगेगा। और इस खेल में आज जो इसका विधिवत शुभारंभ हुआ है, इस कार्यक्रम के तैयारी को लेकर और यहाँ उपस्थित फेडरेशन हॉकी इंडिया के पूरे सदस्य को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस राज्य में और पूरा विश्वास और पूरा उम्मीद के साथ मैं फेडरेशन को भी ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में किसी भी तरीके की कमी और जोश की भी कमी नहीं मिलेगी आपको। और निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आज होने जा रहा है। हॉकी इंडिया की तरफ से जो हमें ये मेजबानी करने का मौका मिला है, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर FIH के प्रेसिडेंट इकराम साहब दो शब्द आप लोग के बीच में रखें। आई सर्टेनली बिलीव
that every event, it is a great opportunity for everyone, every citizen of Ranchi, every citizen of Jharkhand, in order to admire the performance of top athletes. And I think a proper way to say it, that aaj Jharkhand ye raj Asia ke छः मुल्कों के छः देशों के टॉप एथलीट्स की मेज़बानी करने जा रहा और दैट्स अ वे टू पुट फॉरवर्ड दिस कंपटीशन कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने एथलीट्स के लिए कर रहे हैं एथलीट्स को बेस्ट कंडीशंस दे रहे हैं जो अभी तक अपडेट्स मिली हैं आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन स्पोर्ट्स अथॉरिटी एंड टीम फॉर दिस प्रिपरेशन टू वेलकम द टॉप एथलीट्स एंड टॉप ब्रास ऑफ एशिया इन इंग्लैंड आई एम श्योर दैट यू हैव सम क्वेश्चंस Bola Nath Singh is not only is from Ranchi or from Jharkhand or Secretary General of Hockey India. Today he is also representing Asian Hockey Federation. He is our Vice President of Asian Hockey Federation. And I think he is in this position to answer your questions as well. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. अगर आप कहते हैं तो मैं देखने चला जाता हूँ अभी तक तो प्लान ये है कि अनाउंस तो नहीं हुआ था ना ही आप लोग कीजिए मैं किसी और मकसद के लिए आया था तो जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वहाँ से आधा घंटा दूर है ये तो कभी आज तक मैंने पूरे 50 ओवर एक मैच के कभी नहीं देखे लेकिन शायद तो कल देखने पड़ गए So it is nothing different than what our Honorable Chief Minister just mentioned. Sports is a power. Sports has unbelievable opportunity within it. And I think this is a strong message that on sports platform you are getting together all nations. All players without any difference at all. So I think the whatever the outcome of the cricket match would be tomorrow, cricket sport or hockey sport has already achieved one thing. That is the real value of our sport. Thank you. झारखंड के रांची में हो रहे इस चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे खेलों का आयोजन झारखंड में भी हो रहा है हम अपनी पिछली गलतियों को देखते हुए इस खेल में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और हम चाहेंगे कि यह ट्रॉफी जीतें जिससे कि यह ट्रॉफी यहीं की यहीं रह जाए चाहते हैं क्योंकि उनकी वजह से भी इतना बड़ा भी टूर्नामेंट होने जा रहा है वो भी पहली बार तो बहुत अच्छा लग रहा है और जितने भी यहाँ आए थे वो लोग बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं और हॉकी को हमें और आगे तक ले जाना है मैं हेमंत सोरेन सर जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ भारत में पहली बार हो रहा है झारखंड में हो रहा है झारखंड खिलाड़ी तो कितना खिलाड़ी को आगे बढ़ने जैसे हमारा होम ग्राउंड है तो हम अपना गेम खेलेंगे जैसे हमारी पूरी टीम अभी बहुत अच्छी है तो हमारी टीम अभी आएगी 22 को तो हम उसमें अच्छी तरह से तैयारी करेंगे 5 दिन का ब्रेक है तो उसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे फिर पूरी टीम हम फाइट करेंगे और इस बार हमें कुछ करना है देश के लिए थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार हम लोग का झारखंड में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है और इसे हम लोग जितने भी हमारे झारखंड के यंग प्लेयर हैं उनको काफ़ी मोटिवेट मिलेगा कि
दूसरे देश के प्लेयर यहाँ पे आके खेलेंगे, उनको देख के उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके लिए जितने भी हमारे हॉकी इंडिया हैं और हमारे झारखंड सरकार है, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे मैच करा रहे हैं उसके लिए। इंडिया में इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो स्टेट टीम भी है, क्या इसमें ट्रॉफी इंडिया के हाथ में होगा? बिल्कुल, हम लोग अपने साइड से पूरी कोशिश करेंगे कि ये ट्रॉफी यहाँ पे रखा हुआ है हम दोबारा लेके ही पे रखेंगे। और हम लोग जैसे अभी एशियन गेम खेलने गए थे तो हमने सेमीफाइनल में वहाँ पे चाइना के साथ हारे थे, और उस हार से हमने बहुत कुछ सीखा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इस चैंपियंस ट्रॉफी में हम गोल्ड लेके आएंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निक्की प्रधान। ठीक।